योगा तो हम हमारे इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ मोदी जी उन्होंने हमारे योगा का नामकरण कर दिया है, ऑलरेडी नामकरण किया है एक्चुअली भाई. सो वी गॉट अ वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे. सो होपफुली आई थिंक फुल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग दिस एंड वी ऑल्सो सेम बिकॉज वी आर बिलोंग टू योगा. एंड एज वी डिड टूडे सम ऑफ द पोस्चर्स, सम ऑफ द डिफिकल्ट और कुछ ऐसे पोस्चर भी थे जो मतलब हर कोई कर सकता है, इवन ओल्ड एज के पीपल भी कर सकते हैं और एनी काइंड ऑफ मतलब किसी भी वो एज में रहते हैं. सो इवन यंग से लेके एंड देन द किड्स आर ऑल्सो कैन डू एंड द ओल्ड पीपल कैन ऑल्सो डू बिकॉज योगा इज ओनली वन थिंग एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी इज अलाउड टू डू योगा. आपने लास्ट वाला जो पोस्चर किया था बहुत वो टफ था, उसको क्या कहते हैं? That posture name is a kokila with the elbows bent, and there's a different versions of kokila postures. We can go with the straight legs, we can go with the straight up to the ceiling, we can go with the knees down also, because yoga is the one where you can create the postures from one posture to the other posture. So that's the benefit of yoga. आप कब से योगा कर रही हैं? और वर्ल्ड योगा डे कल हो रहा है तो अब मोदी जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है योगा के लिए, तो आप रामदेव महाराज जी ऑलरेडी हैं जी. What do you want to say about that? First of all, I want to say thank you to Modi ji, to like you know, जितने भी पूरे देश के अंदर योगा होते हैं और I think वो सब बाहर निकल के आएंगे on that day, same like us, same like other people. I think इंडिया के हर एक घर के अंदर योगा होता है लेकिन वो अंदर ही रहता था, वो कभी बाहर निकल के नहीं आ पाया. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन इंडिया दैट एवरीबडी इज जस्ट कमिंग आउट लाइक अ सेलिब्रेशन, लाइक हाउ एवरीबडी इज़ डूइंग इट. बाहर लोग योगा इतना करते हैं और इंडिया में इंडिया के होने के बावजूद भी हम लोग घर पे ही करते थे, कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला किसी को भी. सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू रामदेव जी ऑल्सो, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब इतना अवेयरनेस योगा को लेके आया है. उन्होंने कितने अच्छे कैंपेन्स चलाए हुए हैं उस चीज़ को लेके थे कि सब लोग कर सकते हैं. उनमें फ्री कैंप्स भी हैं जिनके पास जो लोग पैसा पे करके नहीं जा सकते, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है कि मैं तो चाहती हूँ हर किसी को करना चाहिए बिकॉज इट कीप्स द डॉक्टर अवे फ्रॉम द बॉडी. आप कब से योगा कर रही हैं? मैं योगा पिछले 10 साल से कर रही हूँ. मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने बहुत सारे चैंपियनशिप भी जीते हैं योगा में लेके. आई एम द 3 times नेशनल चैंपियन ऑलरेडी एंड आई थिंक 5 times इंटरनेशनल चैंपियन. बट वहाँ पे हरियाणा में तो हर एक घर के अंदर मे बी मेरे से बेटर योगी आपको मिलेंगे वहाँ पे. मतलब हर कोई बच्चा योगा करता है लेकिन तो लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वो योगा करते हैं और कंपटीशन खेलते हैं, फिर वो घर में ही बैठ जाते हैं बिकॉज कुछ हो नहीं पाता उन लोगों को, ना ही उनको जॉब मिल पाती है क्योंकि योगा में मतलब कोई था ही नहीं कि एक योगा टीचर को मतलब जॉब मिलना चाहिए या उसको एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए. आई होप, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद के जब भी हमारा हम वी सेलिब्रेट अवर वर्ल्ड योगा डे तो शायद योगा के जितने भी टीचर्स हैं उनको खूब सारी रिस्पेक्ट मिले, दे कैन अर्न अच्छा गुड मनी, तो वो कैन सर्वाइव एटलीस्ट वाइल डूइंग योगा. अगर वो योगा को एज अ सपोर्ट भी फॉलो अप करते हैं कि हमको सपोर्ट में जाना है, योगा को यू नो कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि शायद सबको उनको जॉब मिल जाए अच्छी और दे कैन सर्वाइव एटलीस्ट. अपने इस सेंटर के बारे में बताइए, कब से खोला और इसके वेबसाइट पे अगर बाकी डिटेल चाहिए तो कैसे मिल सकती है? ज़रूर, मैं दिस स्टूडियो आई एम रनिंग फ्रॉम लास्ट 2 years. I belong to like hot yoga because we don't do normal yoga. I'm doing normal yoga for the last 10 years. But if I want to like, I want to say the other people also that Indian, you know, that Mumbai people, they have very less time for the body. But they are very aware कि हमको बॉडी फिट रखनी है बिकॉज उनको काफ़ी सारे काम करने होते हैं, यू नो मूवीज़ करनी होती हैं और फिर भी वो अपना इतना स्पेशल टाइम निकाल के फिर वो कहीं ना कहीं या तो जिम करते हैं या योगा करते हैं. तो योगा इज़ द वन इज़ अ फुल बॉडी वर्कआउट. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ लाइक अ ग्रुप क्लास. सो वेयर मीन्स यू कैन से लाइक द 20 और मे बी 30 पीपल कैन प्रैक्टिस एट वंस टाइम एंड द टीचर्स विल बी द टीचर्स आर वेरी सर्टिफाइड टीचर्स. सो वी डू हॉट योगा इन अ हॉट टेम्परेचर इन 41 degrees एंड इज़ अमेजिंग. So if you want to see more information, so you can go on my website www.mandeephotyoga.com and they can follow me on Facebook also. What is your Facebook page? My Facebook is mandeepyogini.com.